वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मोम कांचाइज यहाँ पर चाय चढ़ा दी है और चाय बॉईल हो रही है तब तक मैं दूध गर्म कर लूँगी यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए और बहुत से लोग बोल रहे थे कि दिए आपका ये जग टूट गया है क्या तो नहीं डियर टूटा नहीं है उसमें मैंने मलाई जमा की थी पता नहीं मैं इतनी आलसी हूँ ना कि उसके नीचे जो मलाई जमा हो गई थी ना तो उसमें ही मैं मलाई डालती रही थी तो इसी वजह से मैंने वो फ्रिज में रख दिया था और जब अभी आप लोगों ने बोला तब मुझे ध्यान में आया अब उसमें से मुझे मलाई निकालनी है और फिर मैंने निकाली और अभी वो बॉईल करने के लिए जग ले रही हूँ तो यहाँ पर आ, मैंने चाय चढ़ा दी थी वो बॉईल हो गई थी अभी चाय मैं छान लूँगी थोड़ी देर में और आज मुझे फास्ट है एकादशी का किस किस ने एकादशी रखी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए तो आ, मुझे फास्ट था ये बड़ी एकादशी थी यार सभी लोग रखते हैं बहुत लोग नहीं भी रखते हैं तो यहाँ पर मैंने शाहबुदाना जो है वो रात को ही भिगोने के लिए रख दिया था तो अच्छे से वो मतलब फूल गया था और रात को भिगोते हैं ना तो बहुत अच्छे से ज़्यादा फूलता है वो अगर सुबह भिगोते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं फूलता है और उसकी जो क्या बोलते हैं खिचड़ी है वो इतनी अच्छी टेस्टी नहीं बनती चिपचिपी हो जाती है चिपक जाती है और मैं तो खिचड़ी ही बनाने वाली हूँ तो इसी वजह से आ, मैंने रात को ही भिगो दिया था वैसे आ, बहुत बार मैं वो बनाती थी शाबुदाने के बड़े बट अभी फ्राइड चीज़ें नहीं खा रही हूँ ना इसी वजह से अभी खिचड़ी बनाऊँगी और हाँ एक गुड न्यूज़ है यार आपको देनी थी तो मेरा एक के जी वेट कम हो गया है और मैं इतनी हैप्पी हूँ ना मतलब काफ़ी दिनों के बाद मेरा कम दिखा मुझे वेट और वैसे तो बढ़ ही रहा था बढ़ी रहा था काफ़ी दिनों से स्केल नहीं थी ना नीचे तो इसी वजह से मैं वेट चेक नहीं कर पाई बट जिम में गई उस दिन चेक किया और उसके बाद आज चेक किया ना तो आज एक के जी कम दिखा मुझे इतनी खुश हूँ मैं इतनी खुश हूँ कि आपको क्या ही बताओ खुशी का ठिकाना नहीं रहा है काफ़ी दिनों के बाद वेट कम होता है तो अच्छा ही लगता है यार और अभी ये दूध अधिक के लिए बना रही हूँ और अभी ना जो भी करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी वेट लॉस के लिए मतलब आपको भी हेल्प मिल जाएगी मैं जो जो कर रही हूँ वेट लॉस के लिए सिर्फ अगर आप जिम नहीं करते हो घर पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया करो ताकि आपको हेल्प मिल जाए वेट लॉस में जो डाइट वगैरह करती हूँ तो वो तो आपके साथ शेयर करूंगी ही ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ लंच में क्या खा रही हूँ लंच तो मेरा सादा ही रहेगा सिंपल सा लंच रहेगा दाल चावल सब्जी रोटी और बट डिनर में और ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर पक्का करूंगी क्योंकि अगर वेट लॉस करते ना तो थोड़ा सा मुंह पे कंट्रोल भी होना चाहिए तो मुंह पे कंट्रोल करना पड़ेगा अभी मुझे क्योंकि इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी ना मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की मतलब मीठा वगैरह खाने की इस सब की तो अभी वो क्रेविंग खत्म हुई है तो इसी वजह से अभी मैं कंट्रोल कर पाऊंगी अपने डाइट पे और वैसे मैं डाइट करने लग जाती हूँ ना इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करती हूँ मतलब टेंशन नहीं रहता है मुझे बट डाइट करने लगना मतलब उसका मुहूर्त निकलना चाहिए मुहूर्त निकले तो ही सब होगा ना अभी मुहूर्त निकल गया है तो अभी डाइट स्टार्ट करूँगी वैसे आपको लग नहीं रहा है क्या थोड़ा सा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार मुझे अच्छा लगेगा मतलब मुझे तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा बट पता नहीं आपको फ़र्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा है एक के में वैसे फ़र्क नहीं दिखता है बट फिर भी जैसे आपको लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार मुझे भी अच्छा लगेगा मतलब मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाऊंगी करने के लिए यहाँ पर तोड़ रही हूँ फूल सबसे पहले मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता वगैरह वो तोड़ा था ना तो इसी वजह से नीचे गिर गया था तो वो झाड़ू मार लिया अभी यहाँ पर फूल तोड़ रही हूँ फूल तो इतने ज़्यादा ताज़े ताज़े हैं क्योंकि पूजा करनी है मुझे पूजा में भी ऑलरेडी लेट हो गया था यार क्या मैं उसमें बैठ जाती हूँ ना थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह में तो टाइम लग जाता है मुझे और फिर अपलोडिंग के लिए भी डालना पड़ता है तो उसके चक्कर में टाइम लेट ही हो गया था थोड़ा सा तो अभी मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ एक्चुअली उसमें से कुमकुम खत्म हो गया था तो उसमें कुमकुम वगैरह -कुम डालूंगी और पूजा करूँगी मेरी और उसके बाद मैं अपना सारा काम करने लग जाऊँगी और मैं एक बात बताऊँ आपको जब आप वर्कआउट करते हो ना तब ना आपको इतना एनर्जेटिक फील होता है मतलब दिन भर आप एनर्जेटिक रहते हो और मैं वर्कआउट में ना ज़ीरो हो गया था ना उस टाइम मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना आलसी फील क्यों कर रही हूँ मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं काम करती थी ना मुझे थोड़ा आलस आता था बट करना तो पड़ता था इसी वजह से मुझे टेंशन आ जाता था और उस टेंशन टेंशन के चक्कर में ओवर में कर लेती थी और आप लोगों ने किसी ने कल कमेंट की थी मुझे टेंशन था तब मैंने आ, मतलब मेरा वेट लॉस हुआ था आपको टेंशन है तो आपका वेट गेन हुआ है तो डियर मेरा ऐसे ही होता है और मुझे तो लगता है कि वेट गेन का कारण ही वही है टेंशन और स्ट्रेस लेना स्ट्रेस लेने की वजह से वेट गेन होता ही है और प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से भी वेट गेन होता है जैसे कि मुझे जागना पड़ता है बहुत लेट तक लेट नाइट जागना पड़ता है वीडियो एडिटिंग के लिए और ये अभी तो मैंने बंद की है वीडियो एडिटिंग रात को करना नहीं तो मुझे रात को बहुत देर तक जागना पड़ता था मैं आपको बताऊँ कि मुझे कितने देर तक जागना पड़ता है दो दो तीन तीन बजे तक मुझे रात को जागना पड़ता है और उसके बाद मैं जब एडिटिंग खत्म करती हूँ तब मैं सोती हूँ और सुबह उठ जाती हूँ छः बजे तो इतनी कम नींद इतनी कम नींद की वजह से भी वेट बढ़ता है मैं ये भी रीज़न आपको बता देती हूँ एट आवर्स की नींद आपको कंप्लीट करनी ही करनी है अगर आपको वेट लॉस करना है तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ वैसे बट मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती है बट मैं ट्राई कर रही हूँ दस बजे सोने का दस बजे तो नहीं सोया जाता है मुझसे बट अभी इसके बाद मैं ट्राई करूँगी दस बजे ही सो जाऊँगी और सुबह छः बजे तो उठना ही पड़ता है छः बजे उठना क्या उससे पहले उठना पड़ता है साढ़े बजे अभी उठना पड़ रहा है क्योंकि मुझे जल्दी जिम जाना पड़ता है तो इसी वजह से बट देखेंगे अभी यार रिज़ल्ट कैसा मिलता है तो आपके साथ एक महीने में ही आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा रिजल्ट तो आपको दिख ही जाएगा सामने एक महीने में ही और मैं तो वेट लॉस जर्नी से बहुत खुश हूँ मतलब स्टार्ट की है तो मैंने वेट लॉस जर्नी से बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो अपनी मतलब जब जो मैं आपको दिखाऊंगी ना तो वो थोड़ा सा आपको भी हेल्प मिल जाएगी उस आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपको भी पता चले कि हमारा कितना वेट कम हुआ है आज है एकादशी और आज मुझे फास्ट है सब लोगों को नहीं है मतलब सिर्फ मुझे ना, ही है सुबह रक्षाबंधन रक्षा रक्षा भी है ठीक है अच्छा हो गया याद दिलाया आदविक ने नहीं तो आपको तो पता ही नहीं था थैंक यू बोलो आदविक को सब तो हाँ आज एकादशी है और आप सभी को जो जो एकादशी रखते हैं या जो नहीं रखते हैं उनको भी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं मतलब मराठी में बोला जाए तो एकादशी चा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा तुम्हारा तो सर्वाना है ना आदविक हाँ। आदविक की तरफ से भी हाँ। तो चलेगा इस कामों में लग जाती हूँ अभी अभी मेरी पूजा हुई है सब कुछ हो गया है आ, अभी आज क्या बोलते है तो फास्ट है तो साबुदानी की खिचड़ी खाऊंगी साबुदाना बोलते है कोई कोई साबुदाना बोलते है मेरे तो मुंह में साबुदाना ही आता है तो मैं शाबुदानी की खिचड़ी खाऊंगी और हमारे साइड में उसड़ बोलते हैं बहुत बार मैं जब भी उसड़ बोलती हूँ ना साबदानी की तब बहुत बार लोग बोलते हैं कि आप उसड़ क्यों बोल रहे हो उसड़ क्यों बोल रहे हो क्योंकि हमारी साइड में साबुदानी की उसड़ ही बोलते हैं सबकी साइड की लैंग्वेज अलग होती है सब वी 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 है। अलग अलग भाषा में बोलते हैं तो हमारे साइड में शाबदाने की खिचड़ी नहीं बोलता है उछड़ ही बोलता है सब लोग उछड़ ही बोलते थे इसी वजह से मेरे मुंह में भी उछड़ ही आता है एक्चुअली मैं माही के ऑर्गेनाइजर्स दिखाती हूँ आपको ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर किए थे मैंने माही के लिए और वो आ गए हैं दिखाती हूँ आपको कैसे मिले हैं ये देखिए बहुत ही प्यारे से ऑर्गेनाइजर्स हैं चार ऑर्गेनाइजर्स हैं बट इसमें तीन ही आ रहे हैं एक उसने शायद फोल्ड करके रख दिया है कहीं कैसे लग रहा है जरूर बताना और माही का वार्डरोब टूर मैं आपको बाद में दूंगी क्योंकि अभी तक उसने सेट नहीं किया है तो आपको वार्डरोब टूर बाद में देखने के लिए मिलेगा अभी मैंने ऐसे ही दिखा दिया आपको माही का रूम टूर भी आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा जब मैं अच्छे से सेट करूंगी उसे तो गाइज आप लोग पूछते रहते हो कि मैं इतनी सारी शॉपिंग कैसे करती हूँ डेली मेरे घर पे पार्सल आते हैं मेरा इतना खर्चा होता है मैं इतना सारा खर्चा कैसे करती हूँ तो गाइज मैं स्मार्ट शॉपिंग करती हूँ और वो स्मार्ट शॉपिंग कैसे करती हूँ वो बताती हु आज आपको मैं शॉपिंग करती हूँ कैशबैक ऐप के थ्रू और वो कैश बैक एप है टॉक चार्ज अब आप पूछोगे कि टॉक चार्ज क्या है टॉक चार्ज एक एक्स्ट्रा कैशबैक ऐप है जहाँ पर आपको मिलता है ढेर सारा कैश बैक आपकी ऑनलाइन शॉपिंग पर यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे कि मिंत्रा अजिओ फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी वेबसाइट है जैसे कि मान लीजिए हमें मिंत्रा से शॉपिंग करनी है तो हमें सर्च बार में मिंत्रा टाइप करना है फिर हम लोग मिंत्रा के स्टोर पे पहुंच जाएंगे उसके बाद एक्टिव कैशबैक पे हमें क्लिक करना है उस बटन पे और उसके बाद हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे मिंत्रा की वेबसाइट पे बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके कार्ट में पहले से ही कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं होना चाहिए और दूसरा यह है कि आपके ब्राउजर में कूपन और कैशबैक बेस्ड वेबसाइट ओपन नहीं होनी चाहिए और इतना ध्यान रखना है कि आपने टॉक चार्ज के अकाउंट में लॉग करके ही एक्टिवेट कैश बैक पे क्लिक किया है बस इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है और आप जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हो वैसे आप नॉर्मल शॉपिंग कर सकते हो और आपका जो कैश बैक है वो ट्रैक हो जाएगा तो आपका कैश बैक होगा वो आपकी रियल मनी होगी जो आपके टॉक चार्ज के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा जब आपने शॉपिंग की है टॉक चार्ज के थ्रू अपने फेवरेट वेबसाइट से और ये जो कैश बैक है वो टू से थ्री डेज में ही आ, ट्रैक हो जाएगा और उसके बाद नाइन्टी डेज में ये कन्फर्म हो जाएगा फिर आप इसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो या टॉक चार्ज के वॉलेट में भी और टॉक चार्ज पर साइन अप करना बिल्कुल फ्री है अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो आपको मिलेगा इंस्टेंट ट्वेंटी फाइव रुपीज का बोनस जल्दी से जल्दी डाउनलोड करो और ये ऐप अवेलेबल है एंड्रॉइड एंड आयो स्टोर पर आगे से ध्यान रखिए कि जो भी आप शॉपिंग करोगे वो टॉक चार्ज के थ्रू ही करोगे आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा ढेर सारी आपकी सेविंग होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने साइन अप लिंक दे दिया है तो उससे इंस्टेंट आपको ट्वेंटी का बोनस मिल जाएगा तो गाइज़ यहाँ पर बनी है खिचड़ी साबूदाने की उसके बाद यहाँ पर चटनी है ये मूंगफली की चटनी है और उसके बाद पराठे है तो ये पराठे और मूंगफली की चटनी इनके लिए है इनके लिए और बच्चों के लिए और उसके बाद ये जो है साबूदाने की खिचड़ी मेरे लिए है क्योंकि फास्ट मुझे अकेली को ही है बाकी ये तो फास्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनको बाहर जाना पड़ता है ड्यूटी के लिए और कभी भी कुछ भी खा लेते हैं बाहर तो इसी वजह से वो थोड़ा सा टेंशन आ जाता है इनको कि यार मैं फास्ट रखूँ और कुछ भी खाने में आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है फिर उनको टेंशन आ जाता है तो इसीलिए वो फास्ट रखते ही नहीं है और मैं भी उनको फोर्स नहीं करती हूँ फास्ट रखने के लिए और हाँ आप लोग बोल रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं तो हार्ड डियर बहुत पतले हो गए हैं वो पता नहीं सभी लोग उनको देख रहे हैं ना तो सभी लोग वही बोल रहे हैं कि आप इतने पतले क्यों हो गए बट इनकी बॉडी ऐसी है कि इनकी बॉडी जब टेंशन लेती है ना आप लोग बोल रहे थे ना हमारी बॉडी कम हो गई थी टेंशन लेने की वजह से और आपकी बॉडी बढ़ गई है तो हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है तो हर, इनकी बॉडी टाइप ऐसी है कि ये टेंशन लेते हैं ना तो कम हो जाते हैं और मैं टेंशन ले लेती हूँ ना तो मैं बढ़ जाती हूँ ओवर ईटिंग कर लेती हूँ और ये टेंशन लेते हैं तो ये कम खाते हैं तो ऐसा सबका अलग अलग होता है और इनकी कम हो गई है और मेरी बढ़ गई है तो अभी इन्होंने भी जिम ज्वाइन किया है मेरे साथ ही तो अभी ये गेनिंग के लिए ट्राई करेंगे और मैं अपना वेट लॉस के लिए ट्राई करूँगी तो अभी ये गेन होंगे और मैं लॉस करूँगी अभी आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा किस में कितना फर्क पड़ता है तो तो वैसे तो अभी से इनको लग रहा है थोड़ा सा और मुझे भी अभी से लग रहा है बट अभी आगे देखते हैं आगे आप देखते ही रहोगे और किसी ने ये भी बोला था कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वर्कआउट करो या वेट लॉस करो आप अच्छे हो तो डियर आपको ही लगता है वैसे जब मैं कुछ कपड़े पहनती हूँ जो मुझे पहनने होते हैं और जब मुझे वो फिट नहीं आते हैं ना तो मुझे बुरा लगता है तो इसी वजह से वो मैं मतलब जो वर्कआउट कर रही हूँ वो सही है मेरे लिए वर्कआउट कर रही हूँ या जो भी कर रही हूँ वेट लॉस के लिए वो एकदम सही है क्योंकि मैं आगे से मेरे जो मनपसंद के ड्रेसेस है या जो भी है मेरे पुराने कपड़े हैं जो मुझे अभी नहीं हो रहे हैं मेरे वाड्रोप का एक जो सेक्शन है वेस्टर्न वाला वो मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है जो मेरे वेट लॉस के टाइम का था एक्चुअली मुझे शीन ने बहुत ज़्यादा लूटा है यार अभी शीन बैन हो गया है बट मुझे बहुत ज़्यादा लूटा है शीन ने शीन के कपड़े मैं बहुत खरीदती थी और मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती थी थोड़े से महंगे होते थे बट क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती थी चीन के कपड़ों की आपने अगर पहना है तो आपको पता ही होगा तो गए सुबह का ही बहुत बचा था तो अभी डिनर में तो कुछ बनाना नहीं है अभी बज रहे है साढ़े सात तो हम लोग जाके आते हैं मंदिर में एक्चुअली अभी तक जाना नहीं हुआ क्योंकि मैं अकेले बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती थी और बच्चों को लेके भी इतना नहीं जा सकती थी कि पास में ही है वैसे मंदिर बट आ, मैंने इनका वेट किया ये अभी आया है तो हमने सोचा कि चलो हम लोग जाके आ जाते हैं मंदिर में क्या हो रहा है तो मंदिर में जाके आ जाते हैं तो चलिए अभी जाते हैं मंदिर में और वहां से आने के बाद मिलती हूँ आपसे आ गया हम लोग मंदिर में घास तो कितनी है घास नहीं होगी तो क्या है बारिश का मौसम तो है गया और क्या रहेंगे तो आ सकते हैं। हाँ। तो आप आना साफ करने के लिए यहाँ पे चप्पल यही निकल रहा है यहाँ पे निकालो चप्पल अद्भिक यहाँ पर चप्पल काफी दिनों के बाद आए हम लोग यहाँ पे मंदिर में ये वाले क्योंकि अभी तक तो बंद ही था है ना बहुत अच्छा।, बहुत अच्छा लग रहा है ये मंदिर है गाइज विठल रुक्मिणी का और यहाँ पर हम लोग अब दर्शन करने आए हैं, क्योंकि आज एकादशी है तो एकादशी के दिन विठल रुक्मी के दर्शन होते हैं और यहाँ पर आके बहुत ज्यादा सुकून मिला पता नहीं सब चीज़े स्टार्ट है बट मंदिर ही क्यों बंद करके रखे है गवर्नमेंट ने तो मंदिर अभी स्टार्ट हो गया है तो अभी अच्छा लग रहा है वैसे और ना अभी दूसरे मंदिर में भी जाना है पता नहीं वो मंदिर खुला होगा या नहीं होगा बट हमें जाना है जाके देखेंगे यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है यहाँ पे आने के बाद अच्छा लग रहा है शांति मिल रही है दिल को और हम लोग आपको बताऊँ काफी दिनों के बाद ऐसे बाहर निकले हैं सब लोग मतलब माही मैं अद्विक और उसके पापा तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था बच्चे भी बहुत फ्रेश हो गए थे और वैसे हम लोग निकलते नहीं हैं इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है और मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है अपने कामों से तो इसी वजह से हम लोग साथ में ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं तो कभी कभी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आज तो बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश थे मस्ती कर रहे थे बहुत ज़्यादा और मैं मतलब मेरा तो बाहर निकलना ही नहीं होता और वैसे कोविड की वजह से तो मैं थोड़ा सा डर भी रही थी पिछली बार तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस टाइम से तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी तो इसीलिए बाहर नहीं निकल रही थी बट अभी कितने दिन हम लोग घर पे रहेंगे ऐसे डर डर के तो थोड़ा सा निकल रही हूँ प्रिकॉशन ले रही हूँ बट उधर से आने के बाद आ, बट अच्छा लगता है जब हम लोग मंदिर में आते हैं और दर्शन करते हैं सुकून मिलता है शांति मिलती है और शांति के लिए ही तो मंदिर होता है और देखो कितने दिनों के बाद हम लोग ऐसे टू व्हीलर पे चार लोग जा रहे हैं और मतलब टाइम ही नहीं मिलता है इसी वजह से जाना ही नहीं होता है बट आज बहुत अच्छे से खुली हवा में हम लोग निकले यहाँ पर कुल्फी वाले अंकल दिख गए थे बच्चों का कुल्फी खाने का मन था तो इन्होंने रोक दी गाड़ी और सब लोगों ने अभी कुल्फी खा ली यहाँ पे उसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे मंदिर जो हमारे यहाँ पे फेमस मंदिर है जो भी यहाँ से देख रहे हैं अमरावती से कमेंट करके जरूर बताइए अम्बा देवी के मंदिर में इकवीरा देवी के मंदिर में जा रहे हैं एक्चुअली वो बंद था हम लोग जब गए ना तो वो बंद था मंदिर बट हम लोग जाके वहाँ से दूर से बाहर से ही वापस चले आए फिर क्या कर सकते हैं वैसे तो हमें लग रहा था घर से निकलने के टाइम की मंदिर बंद होगा बट फिर भी हम लोगों ने सोचा था मन में तो ये बोल रहे थे कि चलो आपने सोचा है है मन में जाना है, तो जाके ही आ जाते हैं, देख के ही आ जाते हैं वहां पर पहुंचे तो मंदिर बंद दिखा फिर वापस चले आए हम लोग अरे वो पौधों से पानी निकल रहा है पौदो। पौदो। वहां से अधिक मजा आया क्या घूम के भी हाँ, प्रसाद खा, खा के भी मजा आया, भी आया। मजा आता ना हाँ। ऐसा लगता है डेली मंदिर में जाओ। है हाँ। ना? कुल खाओ। <laughs> खाओ। <laughs> और कुल्फी खाओ चलिए गए घर पे आ गए हैं मंदिर में गए थे एक मंदिर में गए थे विठल रुकमाई के वहाँ पर तो दर्शन हुए बट दूसरे मंदिर में हम लोग गए जो हमारे यहाँ का फेमस मंदिर है अम्बा देवी का वहां पर गए तो वो, वो मंदिर बंद था तो इसी वजह से हम लोग वापस चले आए और वहाँ पर बीच में कुछ में कुल्फी वाला मिल गया था बच्चों ने वगैरह इन्होंने कुल्फी वगैरह भी खाई तो बहुत मजा आया आज और काफी दिनों के बाद हम लोग ऐसे इसमें गए थे ना टू व्हीलर पे तो काफी मजा आ रहा था है ना वही तो चले गए जिसके साथ इस ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो <laughs> आप चाहो तो मेरे तो दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा याद दिला रही हूँ आपको टॉक चैट्स का डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है टॉक चार्ज को डाउनलोड करके साइन अप जरूर करना है इंस्टेंट ट्वेंटी फाइव रुपीज का बोनस मिल जाएगा मेरे साइनअप लिंक से टॉक चार्ज पे साइनअप करना मत भूलेगा और आगे की शॉपिंग जो भी है वो आप टॉक चेक के थ्रू ही करोगे उससे आपकी ढेर सारी बचत होगी शॉपिंग में गाइज क्या हैस्ती आ गई अभी बाहर से आया तो खुली हवा में <laughs> तो चले फिर बाय गाइस टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय ध्यान रखना अपना बाय बाय